गूंज के दीवाने, गूंज के दीवाने आ गए रेडियो गूंज पर। रेडियो गूंज FM 90 MHz बोलो ना। हाँ, FM 90 MHz। पकौली बोलो, बिदुपुर बोलो, वैशाली का पहला रेडियो स्टेशन बोलो, रजासन बोलो, पकौली के पास इंडियन और पकौली में इंडियन बैंक के पास बोलो, तो पूरा एक साथ बोल देते हैं। Exactly. रेडियो गूंज FM 90 MHz पर अभी आप सुन रहे हैं अपने राजेश को गूंज के दीवाने में, और हमारा ये रेडियो स्टेशन है पकौली इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक के पास। रजासन है यहाँ बिदुपुर में, यहाँ से पहुंच रहे हैं। सामने बैठी है सुमन। और ये मेरी बात भी ये खुद ही बोलते हैं। हाँ। क्योंकि मुझे बोलने का मौका ये कभी भी नहीं देंगे, इन्होंने परमानेंट कसम खाई हुई है। यहाँ देता कोई नहीं, 140 करोड़ की आबादी है, यहाँ अपनी जगह खुद घिसट घिसट के सट के बनानी पड़ती है। सही कहा राजेश ने कि मौका ढूंढिए और छीन लीजिए, तलाश लीजिए, अपना काम कर लीजिए। और इसी क्रम में हम गाने भी सुना देंगे आपको आपके एंटरटेनमेंट के लिए, और चुटकुले भी सुनाएंगे। आपकी चिट्ठियाँ यानी कि जो व्हाट्सएप के माध्यम से या फोन कॉल्स के माध्यम से हमारे पास पहुंच रही हैं, मॉडर्न जमाने में चिट्ठियाँ तो मिनी को कहेंगे राजेश। बिल्कुल बिल्कुल कहेंगे। तो आपकी जो बातें हैं हम आप तक पहुंचाएंगे, आपकी जो बातें हैं हम सब तक पहुंचाएंगे। जितने लोग हैं वैशाली आज तो एकदम दिमाग का पिटारा खोल दिया है, इसलिए क्योंकि राजेश से मौका छीन करके सुमन बोल रही है। ओ ग्रेट, अब देखो मौका छीन ही लिए हो तो कार्यक्रम को आगे बढ़ा चलो और चुटकुला से कार्यक्रम की शुरुआत करो जल्दी से फटाफट। मुझे बड़ी खुशी हुई कि हम कार्यक्रम की शुरुआत चुटकुले से कर रहे हैं। छांटे हो ना चुटकुला। हाँ पता है, मैंने छांट कर रखा हुआ है। चुटकुला सुनाया जाए। टीचर ने कहा बच्चों से, टीचर ने कहा बच्चों से, हर एपिसोड के पहले चुटकुले में टीचर ही बच्चे से क्यों कहता है? मुझे बहुत पसंद आता है कि जब टीचर बात करते हैं। हाँ। तो बड़ी अच्छी बातें निकल कर आती। अच्छा टीचर। हाँ। राजेश बात करेगा तो टीचर हो जाएगा अगर अच्छी बात करेगा। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ। आप टीचर हैं क्या? नहीं। तो टीचर ने कहा बच्चों से, और उन बच्चों में किसी एक से उन्होंने कहा जी, इतने दिन कहाँ थे? इतने दिन कहाँ थे? स्कूल क्यों नहीं आए? अच्छा स्कूल क्यों नहीं आए? हाँ, अब बच्चा तो स्कूल नहीं जा रहा था तो टीचर का पूछना फर्ज बनता है। गोलू ने कहा बर्ड फ्लू हो गया था मैम। बर्ड फ्लू हो गया था? अच्छा। तो टीचर ने पूछा ऐसा क्या? पर ये तो पक्षियों को होता है, इंसानों को तो नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल है ना, टीचर ने तो बिल्कुल सही बात कही। अब गोलू का भी जवाब सुन लीजिए। इंसान समझा ही कहा आपने, रोज तो मुर्गा बना देती है। बहुत खूब, और मुर्गे को तो बर्ड फ्लू होता ही होता ही है। बच्चे ने एकदम हाजिर जवाब दिया है ना। रेडियो गूंज पर भी हम एकदम हाजिर रहते हैं जवाब के साथ सुमन। हाँ। रेडियो गूंज FM 90 MHz पर आप गाना बताइएगा या मैं फोन कॉल शामिल करूं? इन दोनों से पहले मैं कुछ और कहूंगी। कहिए कहिए। वो दो फोन नंबर जिन पे सारे श्रोतागण हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, तो हम बताएंगे या आप बताइएगा? नहीं हम बताएंगे। बताइए। नंबर नोट किया जाए 8340686641। ऐसे कहीं नंबर बताया जाता है? ऐसे नंबर बताया जाता है? ढूंढ लिया इन्होंने खुद ही बोलने के लिए। ओहो 83। तुझे पता है मेरी नजर से देख, मेरी नजर से देख, लोग एक दूसरे को ताक रहे हैं कि क्या हो रहा है। देखना आपकी नजर से। नंबर बताओ, नंबर ठीक से अपनी नजर से देखूंगी। 83 40 68 46। स्टाइल में ऐसे बोला जाता है 8340686641। अब बड़ा ना स्टाइल। दूसरा नंबर नोट किया जाए 9835039435। रिपीट करना चाहेंगे 9835039435। और ये व्हाट्सएप का नंबर भी है, इस पर आप हमें लिखकर संवाद भी भेज सकते हैं। बिल्कुल। तो हालांकि एक बात बताऊं, एक बात बताऊं, कहां से किसने, अभी तो वो फोन हमारे पास नहीं है, 8340686641 पर मैसेज किया है हमारे लोगों ने कि कार्यक्रम अच्छा है, वेरी गुड, बस इतना ही लिखा। अरे वाह, ये हमारे लिए बहुत है क्योंकि एक वेरी गुड ही आ जाए तो हमें ये तो समझ आता है कि चलिए। और अभी आते आते तो 22 जनवरी, मात्र अभी तो 22 जनवरी से ही तो आ रहे हैं लोगों के घर आंगन में, है ना। इतने कम समय में लोग अगर रिकॉग्नाइज कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है, है ना, खुशी की बात है। अच्छा इसी खुशी में मैं एक बात बोलूं? हाँ बोलो। मैं गाना सुनाना चाहती हूँ।
गाना एक बात है, गाना हाँ चलो सुना दो गाना, फिर हम शामिल करेंगे, फिर हम शामिल करेंगे, फोन कॉल शामिल करेंगे। गाना है फूलों के रंग से, अच्छा आगे श्रोतागण खुद गुनगुनाने लगे होंगे, मधु यही वाला गाना। फूलों के रंग से दिल की कलम से तुझको लिखी रोज पाती, कैसे बताऊं किस किस तरह से पल पल मुझे तू सताती, तेरे ही सपने लेकर के सोया तेरी ही यादों में जागा, तेरे ख्यालों में उलझा रहा हूँ जैसे कि गाना हो गया खत्म। मुझे पता था ये कहेंगे, जैसे ही गाना खत्म होता है ये लोगों को अनाउंस जरूर करते हैं कि गाना खत्म हो गया। और अब थोड़ी सीरियस बातें और खुशी की बातें, रेडियो गूंज एफएम 90 मेगाहर्ट्ज पर राजेश आज का पहला फोन कॉल शामिल करने जा रहा है। ठीक है, ये फोन कॉल आया था सुबह का वक्त था, बिदुपुर से, बिदुपुर बाजार से साक्षी ने फोन किया था। हाँ। और ये कह रही थी, ध्यान से सुनिएगा सारे लोग जो हमें सुन रहे हैं, इनकी एक रिक्वेस्ट थी क्या? कि भजन कुछ ज्यादा हो जाता है, दो घंटा भजन जो है कुछ ज्यादा हो जाता है, तो इन्होंने सजेशन दिया है कि एक घंटा भजन कीजिए, अच्छा, आठ है? से नौ। हाँ। और उस बचे हुए एक घंटे को गाने में तब्दील कर दीजिए कि उसे गाना बजाइए तो ज्यादा से ज्यादा हमें अच्छा लगेगा। अच्छा। क्या कहना चाहिएगा साक्षी से? मैं साक्षी से ये कहूंगी कि साक्षी आपके इस सुझाव को नोट कर लिया गया है और हम सब इस पर विचार करेंगे, गहराई से विचार हो रहा है, बिल्कुल गहराई से विचार करेंगे, क्योंकि हम आपके हर सजेशन को जरूर सोच समझ करके उस पे काम करना चाहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये रेडियो प्रोग्राम जितने भी बज रहे होते हैं ये आपके लिए है और आपको पसंद आए, यही तो हमारी चाहत है ना। तो आपने जो सजेशन दिया है हमने नोट डाउन कर लिया और आई एम श्योर हम सब मिलकर पे इस पे कोई डिसीजन तो नहीं लेंगे। एंड साक्षी थैंक यू कि आपने फोन किया, और फोन करना बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। Yes. हमारा मनोबल बढ़ता है इससे, तो बहुत बहुत शुक्रिया साक्षी। रेडियो गूंज एफएम 90 मेगाहर्ट्ज से कार्यक्रम चल रहा है गूंज के दीवाने। और मैं हूँ राजेश और मैं हूँ सुमन, और पता है हम कहाँ पे हैं? चुटकुला। पहले मैं एड्रेस बताऊंगी। अच्छा एड्रेस। यस ओके। रेडियो गूंज पकौली, इंडियन बैंक के पास, रजासन, बिदुपुर, वैशाली जिले। ये भी कह दीजिए कि एड्रेस बजा, ये भी कह दीजिए कि एड्रेस बताने का मकसद है कि आप आइए हमारे, आप आइए, आप हमसे मिलिए, हमें बड़ी खुशी होगी अगर आप आते हैं तो। और साथ साथ आप वो नंबर भी नोट कर लीजिए जिस पे आप फोन कर सकते हैं या हमें मैसेज भेज सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। फोन नंबर है 8340686641। राइट, एकदम सही, सही सही वैलिडेट करने पहुंच गई है। चलो दूसरा नंबर है 9835039435। अरे कमाल हो गया, ये भी सही। अरे तालियां तालियां, ये भी सही नंबर बता दिया। चलो अब आगे क्या करना है, चुटकुला या मैं फोन कॉल लू या आप गाना सुनाएंगे? आप फोन कॉल ले लें। फोन कॉल ले। हाँ, आप फोन कॉल लीजिए, उसके बाद हम चुटकुला सुनाएंगे। ये फोन आया है सोहन कुमार का। अच्छा। हमारे रेगुलर ये श्रोता है, फोन हाँ, करते हाँ, रहते हैं। अच्छा। पानापुर धर्मपुर से, पानापुर बगल में ही है, हाँ, रास्ते अच्छा, में ही है। अच्छा। पानापुर धर्मपुर, हाँ, जब आप जड़ुआ से आगे बढ़ेंगी पकौली के लिए तो बीचों बीच है पानापुर धर्मपुर। यहाँ से सोहन कुमार जी का फोन आता है, जिनका नंबर 7739257769 है। उनका नंबर भी मैंने नोट कर लिया। उनका एक रिक्वेस्ट था क्या? कि जरा अच्छे से मुझे बताइए, नाम ले लीजिएगा। और उन्होंने कार्यक्रमों की तारीफ की है, बहुत और सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक इनका रेडियो खुला रहता है। अरे वाह, दिल खुश हो गया ये सुनकर, हमें बहुत खुशी हुई। सोहन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सुन रहे हैं रेडियो, और इसका भी शुक्रिया कि आपने ये जहमत उठाई कि हमें कॉल किया और कॉल के जरिए हमें ये बताया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। और हम चाहते हैं वो सारे श्रोतागण जिनको कार्यक्रम अच्छा लगता है या बुरा लगता है या कुछ सुझाव देना है या फिर कुछ और भी कहना हो तो प्लीज जरूर फोन करें। फोन अगर नहीं करना चाहते तो व्हाट्सएप कर दें, व्हाट्सएप नहीं करना चाहते तो SMS भेज दें, पर चले ना आए, कोशिश तो करें। चले ना, अरे हाँ, आ ही जाइए ना, क्या फर्क पड़ता है। गूंज के दीवाने कार्यक्रम में अब समय है कि आप चुटकुला सुनाइए।
लड़की ने कहा हाँ मैं गाकर बोलूं? हाँ गा के बोलो। तू जहाँ जहाँ चलेगा। अच्छा लड़की ने ये गाना गाया। साया साथ होगा। तो लड़के ने पता है क्या कहा? क्या कहा? गा के ही कहा क्या? नहीं अच्छा। उसने कहा, मुझे तो पहले ही लगता था तू भूतनी है। अगर भूतनी नहीं होती तो साया कैसे चलता। बहुत खूब। कभी कभी छोटी छोटी बातें जो कैजुअली कही जाती है ना, हंसी का कारण बन जाती है, चुटकुला बन जाता है। और एक रिक्वेस्ट हम कर रहे हैं इस कार्यक्रम में सुमन गूंज के दीवाने में कि हमारे चुटकुले को कभी सीरियसली नहीं लीजिएगा, व्यक्तिगत नहीं लीजिएगा। ये सिर्फ हंसने हंसाने का एक जरिया है, इंटरटेनमेंट का एक जरिया है। बहरहाल जैसे हम गुनगुना करके अपने आप को रिफ्रेश करते हैं, या कहते हैं कि संगीत से बहुत आराम मिलता है, सुकून मिलता है और हंसने का मौका भी मिलता है। तो कौन सा आप संगीत के कौन से सुर को छेड़ना चाह रही हैं? गाना जादू तेरी नजर। जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, जादू तेरी नजर, खुशबू और अब गाना हो गया खत्म। नहीं, ये प्लीज राजेश के बिना नहीं राजेश, अब मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, प्लीज आप मत बताया करें कि गाना खत्म हो गया। ये अनाउंसमेंट तो करना ना होगा, गाना खत्म हो गया। हमारे श्रोता अगर इंतजार करते रहे और बजेगा एक ही गाना वहीं तक बजेगा ना जहाँ तक वो गाना है, तो बताने की क्या जरूरत है। गाना हो गया खत्म, आपकी खुशी के लिए एक हम फोन कॉल शामिल करना चाहेंगे। उसके पहले हम दो नंबर बता देना चाहेंगे, उसके बाद आप फोन कॉल शामिल कर लीजिएगा। रेडियो गूंज पे, गूंज के दीवाने में आपके फोन कॉल्स को हम शामिल करते हैं, आपके मैसेजेस को शामिल करते हैं। फोन नंबर नोट कर लिया जाए 8340686641 और दूसरा नंबर है 9835039435। रेडियो गूंज 90 मेगाहर्ट्ज़। हाँ बिल्कुल 90 मेगाहर्ट्ज़ पर ही सुन रहे हैं। इंडियन बैंक के पास बिल्कुल सही है, एकदम सही। बिदुपुर एकदम सही, वैशाली जिले में एकदम सही सही। वाह वाह कमाल सुमन, वाह वाह क्या बात है, क्या बात। और अब सिराज जी ने फोन किया था। क्या कहा उन्होंने? बाजार समिति हाजीपुर। अच्छा, ये मामा भाजा जो मजार है ना, हाँ वो हाँ। वही मुझे जहाँ तक मैं लोकेट कर पा रहा हूँ कि बाजार समिति का इलाका वही है। अच्छा, सिराज जी ने कहा है कि पहली दफा जब मैं रेडियो के मीटर को घुमा फिरा रहा था तो मुझे रेडियो गूंज सुनने का मौका मिला। अच्छा। मैं पटना के रेडियो को सुनता था। अच्छा। है ना, लेकिन अब मैं अपने और जब आपने बताया कि वैशाली का है और रेडियो गूंज, तब हमने इस रेडियो को सुनना शुरू किया, फोन नंबर नोट किया और आपको फोन किया हूँ। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा इन्होंने। तो इन्होंने सारी बातें तो बता दी। हाँ बता दी। और हमारे लिए कितनी खुशी की बात है कि अभी पटना का रेडियो नहीं सुनते हैं, हमारा अपना रेडियो सुन रहे हैं। हाँ। अपने एरिया में जो रेडियो स्टेशन है, आपका अपना रेडियो स्टेशन रेडियो गूंज, आप वो सुन रहे हैं। हमें बहुत खुशी हुई ये जानकर। एक चीज और कही थी इन्होंने, एक छोटी सी दुकान है इनकी, मनिहारी की दुकान है। मनिहारी मतलब जहाँ सारी चीजें मिलती हैं। अच्छा, अच्छा। उसकी दुकान है, छोटी सी दुकान है। तो हमने कहा कि छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, वो दुकान से ही आपकी गृहस्थी चलती है, तो वही आपके लिए बहुत बड़ी इमारत है। आपने मतलब क्या कहूँ, 100% तो 100% तो बहुत छोटा है। हाँ। 1000 करोड़ की बात कही बिल्कुल आपने। मुझे भी ऐसा लगा था, कह करके मुझे भी ऐसा, मतलब बड़ाई करवा लो खुद की। चुटकुला जल्दी से। महिला ने कहा, डॉक्टर साहब मेरे पति नींद में बातें करने लगे हैं, क्या करूं? डॉक्टर ने कहा उन्हें दिन में बोलने का मौका दिया जाए। बहुत खूब, दिल में अगर बोलने का मौका मिलता तो बेचारा रात में क्यों बड़बड़ाता, वो भी नींद में। हाँ बिल्कुल नींद में।
एक गाना अब जल्दी से ले लीजिए, क्योंकि हमें, मेरी नजर घड़ी पर है और हमें लग रहा है कि समय, हाँ समय, क्योंकि मुझे रखना चाहिए, क्योंकि मुझे, मैंने अपने सारे एक फोन कॉल मुझे शामिल करना है, पहले मैं कर लूं। आहा, क्या हो गया? इनका रिक्वेस्ट था, सोने लाल राय हैं महनार बाजार महनार से, इन्होंने फोन किया था। इन्होंने सिर्फ इतना कहा कि मैं आपका रेडियो सुनता हूं, अपने रेडियो गूंज को। इन्होंने कहा यह आपका रेडियो है, इसे जरूर सुनिए। इन्होंने कहा सारे कार्यक्रम अच्छे लगते हैं, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कहा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपको सारे कार्यक्रम अच्छे लगते हैं, इससे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए क्या हो सकती है। लेकिन आज जो है फोन कॉल में जिसको एक नंबर मिलेगा, हाँ, वो साक्षी है कि भजन कुछ ज्यादा हो जाता है। देखिए कितने ऑनेस्टली साक्षी ने कहा कि हो गया ना, कितने भजन सुनाएंगे आप। अच्छा, कुछ इतने और प्यारे भी सुना अंदाज में, ये स्टूडेंट है, हाँ, है ना, इन्होंने इंटर की स्टूडेंट है, इन्होंने कहा भजन कुछ ज्यादा हो जाए। चलिए साक्षी, आपकी बात पे गौर किया जाएगा जरूर से। गाना मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। बोले कि नहीं बोले, गाना हो गया, बिल्कुल बोले बोल तो चुके आप, गाना हो गया खत्म, बोले कि नहीं बोले, आपने बोल दिया। चलिए ठीक है, तो अब चलें स्टूडियो से, क्योंकि समय हमें ऐसा लगता है कि गूंज के दीवाने का खत्म हो रहा है। अभी आप सुन रहे थे गूंज के दीवाने, रेडियो गूंज FM 90 MHz से, वैशाली का पहला रेडियो स्टेशन है, पकौली में है, है ना, इंडियन बैंक के पास में है, और फोन नंबर सुमन बताएगी फटाफट, पहला फोन नंबर क्या है? 8340686641, और दूसरा नंबर है 9835039435। इस दोनों फोन नंबर को अपने पास भी रखिए और बगल वाले को भी पास कर दीजिए, है ना, जिससे बाएं में साइड जो बैठे हैं और दाहिने साइड भी जो बैठे हैं, उन दोनों के साथ शेयर करिए। थोड़ा से उछला करके पीछे भी फेंक देता, बस बस मुंह की बात छीन ली राजेश आपने, सामने वाले को भी दीजिए, पीछे वाले को भी दीजिए, और थोड़ा सा यूं उछाल दीजिए ताकि और सारे लोग मिल करके रेडियो गूंज को सुनिए, और हमें बताइए कि कौन से कार्यक्रम चाहिए आपको, कैसा लगता है। एक बात चलने से पहले जानकारी हम देना चाहेंगे सुमन इस कार्यक्रम में, हंसी ठिठोली सब बात सही है, लेकिन जीवन में पढ़ाई लिखाई का बहुत इम्पोर्टेंस है, है ना, बिल्कुल है। हम जो लेके आते हैं आओ अंग्रेजी सीखें, माधुरी कुमार जी के साथ जी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया में, उनके और साथ मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूं, मुझे वो बहुत अच्छी लगती हैं, तो उनका कार्यक्रम जरूर सुनिएगा, और कभी भी अंदर में कुंठा नहीं आने दीजिए कि आप अंग्रेजी नहीं जानते। अरे यही तो शुरुआत है, और हमेशा याद रखिए जब जागो तभी सवेरा, और कहीं भी पहुंचने के लिए पहले कदम की आवश्यकता होती है। हम जाग चुके हैं और स्टूडियो से बाहर जा रहे हैं, अगर आना है तो आ जाओ, नहीं तो ढकेल के भगा दिया जाएगा, समय खत्म हो रहा है। तो सुनते जाइए रेडियो गूंज FM 90 MHz पर, जहां कार्यक्रमों का कारवा कभी खत्म नहीं होता। सुमन चलो ना, चलो हो गया, नमस्कार 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 करना जरूरी होता है। चलो उठो, ऐसे ही उठकर नहीं भाग सकते, अरे उठो ना, प्रणाम पाती आवश्यक हो गया।